जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत मूसा नगर परम धाम नंदिनी गौशाला की तरफ से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा खिचड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी द्वारा राहगीरों को खिचड़ी प्रदान की गई। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत मूसा नगर कस्बे के ही अमर उजाला के पत्रकार जितेंद्र कुमार और फिर जीतू गुप्ता द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खिचड़ी का आयोजन कराया गया, जहां पर आने जाने वाले राहगीरों को रुका करके खिचड़ी खिलाई गई। देखिए, आज दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें पूरे विश्व में जहां भी हिंदू समाज के या इसको मानने वाले लोग रह रहे हैं, मनाते हैं। मैं समस्त देशवासियों को शुभकामना देती हूँ, कस्बे के लोगों को और अपने क्षेत्र के लोगों को, पूरे देश के लोगों को शुभकामना देती हूँ। और खिचड़ी का मतलब है, जब हम सब लोग मिलकर के रहते हैं तो एक अलग वातावरण होता है। खिचड़ी आपने देखा, चावल भी है, दाल भी है, चीनी भी है, घी भी है, उसका स्वाद अलग हो जाता है। ऐसे ही हम पूरे देशवासी लोग, विभिन्न विचारधाराएँ हो सकती हैं, मान्यताएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन देश के लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे तो जैसे खिचड़ी का स्वाद आता है, इससे हमारे देश का भी एक गौरव बढ़ेगा। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, पूरे देश के लोग कहीं नदी में, गंगा जी में, हरिद्वार में, प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। आज से सूर्य अपनी गति उत्तरायण की ओर पकड़ेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस कोरोना की महामारी के समय पर जिस तरह से लोगों ने साथ दिया है, संयम बढ़ता है, और भारत में भारत के वैज्ञानिकों ने खोज की, वैक्सीन भी आ चुकी है, 16 तारीख से लगने वाली है, इसमें किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके जिस तरह से भारत के अंदर वैक्सीन खोज करके दी है, 16 तारीख से लगना शुरू होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मकर संक्रांति की सबको पुनः ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपका जीवन सुखमय बीते। धन्यवाद।